लगाता था मेरा बाबू, दो गाड़ी थे उसके, वो किराए पर लगवाया पड़ता, उससे कोई काम में लाता था, बैठा रहता घर में। चिकला थाना अंतर्गत सोनू पिता इशाक मियां को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। आज रजनीश यादव, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर खाजकला थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान के पास एक युवक को गोली मार दी है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में इलाज हेतु PMCH ले जाया गया है। हालांकि इस घटना के बाद से कई थानों की पुलिस को मौके वारदात पर बुला ली गई है और पुलिस मामले की जांच में लग गई है। हालांकि इस घटना से संबंधित अर्थात गोलीबारी से संबंधित पूरी स्टोरी क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां भीड़ भाड़ वाले जगह में एक युवक को गोली मार दी गई है, जिसके बाद अपराधी मौके वारदात से फरार हो गए हैं। मामला खाजकला थाना क्षेत्र के गुलशन हैदरी कब्रिस्तान के पास की है, जहाँ पर भाड़ा पर ऑटो चलवाने वाले सोनू उर्फ बैगनवा के शरीर में अपराधियों ने बैक टू बैक कई गोलियां दाग दी है, जिसके बाद सोनू उर्फ बैगनवा को घायल अवस्था में PMCH ले जाया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय खाजकला थाना को मिली, वैसे ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की छानबीन में लग गई है। हालांकि सरे शाम और सरे राह गोलीबारी से क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। फिलहाल पुलिस उन अपराधियों की टोह लेने में लगी हुई है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस आसपास लगे CCTV में अपराधियों की तस्वीर देखने में भी लगी हुई है। मौके वारदात पर कई थाना की पुलिस को भी बुला लिया गया है। फिलहाल अपराधियों ने सोनू के सिर और उसके अलावा शरीर के कई अन्य हिस्से में गोली मारी है। हालांकि इस वक्त सोनू को PMCH में इलाज हेतु ले जाया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। फिलहाल देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि इस घटना में शामिल वो कौन से अपराधी हैं जिन्होंने इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद पिस्टल लहराते बड़े ही आराम से भाग निकले हैं। हम छोड़े जा रहे हैं सोनू की बहन की बयान के साथ, जिसमें आप देखेंगे और सुनेंगे कि वो क्या कुछ कह रही हैं इस घटना के संबंध में। कहता था मेरा बाबू, दो गाड़ी थे उसके, वो किराए पर लगवाया पड़ता, उससे कोई काम में लाता था, बैठा रहता घर में। अच्छा, मतलब शरीर से कुछ प्रॉब्लम था? शरीर से कुछ प्रॉब्लम था? घर में रहता था, मुझे कोई काम में लाता था तो किराया पर गाड़ी चलवा, मतलब गाड़ी लेकर भाड़ा पर चलवाते थे? भाड़ा पर चलवाता था, ये हवा हवाई हुई नहीं। अच्छा, हम लोग लेके दे दिए थे उसे। अच्छा, उसे हम लोग लेके दे दिया था कि ले भैया तू तेरे पर पैसे चला ले, हम अपने पास दे दिया। बाल बच्चे का भरण पोषण मतलब हवा हवाई के द्वारा कर देते थे? उसी से हवा हवाई से गुजारा करता था, चटनी रोटी खाता था घर में। क्या नाम है आपका? मेरा समाज नाम है, बहन हूँ उनकी। हाँ, उनकी बहन हूँ मैं। आज दिनांक 2/1/24 को खाजकला थाना अंतर्गत सोनू पिता इशाक मियां को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। उनका प्राथमिक इलाज करवाते हुए PMCH उन्हें रेफर किया गया है। खाजकला थाना की टीम जो है घटनास्थल पर मौजूद है और अनुसंधान इसमें जो है आगे किया जा रहा है। अभी तक जो सामने आया है वो है कि जो घायल व्यक्ति हैं उनका खाजकला थाना अंतर्गत आपराधिक इतिहास भी रहा है, तो इस बिंदु पर भी पुलिस छानबीन कर रही है।